हेलो फ्रेंड्स, राम राम एंड वेलकम बैक टू परी तांडी व्लॉग्स। तो आयुष गया था गेट पे पार्सल लाने के लिए, तो वो लेके आ गया है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स, मेरा पार्सल आया है, तो वो मैं खुद खोल। सब चुप हो जाओ भाई, आयुष सिनू बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा पार्सल आया है, तो वो मैं खुद खोलूंगा। आयुष को, पापा को, मम्मा को, किसी को नहीं खोलने दूंगा। पापा बचे रहो मम्मा। आयुष मुझे बड़ी वाली चाहिए। आराम से बैठो। हाँ, सही में स्केयर सही। पापा सिनू के स्केयर था क्या भाई? कितना सिनू कैसा लगा? सिनू उसका एक ही आया है। दोनों है, दोनों है। लाओ मैं खोलती हूँ, आप खोलो, खोलो इसको साइड से। चैन है। बाले बहुत टाइट है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बिट्टू, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे ऐसे हाथ से। एक मेरे को भी देखना कैसे है। अभी दिखाता बेटा, अभी दिखाता। जोड़ना पड़ेगा। नहीं, हाँ। को पता है जोड़ना पड़ेगा। आयुष सिनू दिखाओ फिर फ्रेंड्स को कैसा है। सिनू बेटू फ्रेंड्स को दिखाओ कैसा है। ये दे। ये। इसको ऐसे होगा बेटू, ये यहाँ से ऐसे। सिनू आप कितने खुश हो बेटू? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। तो अभी सिनू पहन के दिखाएगा थोड़ी देर बाद। पहले इसको करते हैं सेट। मेरे शूज आ गए हैं और सॉक्स। ये कैच लेना और दो बंदो। गलत नहीं, सही है। काय पापा ऐसे थोड़ी ना बांधते हैं। अरे छोड़ दे तू। तो जो लैंप लाइट पहले आई थी वो हमने रिप्लेस करवाई थी, क्योंकि जो हमने ऑर्डर की थी वो सेम नहीं थी, फ्लावर प्रिंट की आ गई थी। तो अभी हमने सेम ऑर्डर करी वापस। तो कुछ ऐसा लुक है इसका, आप देख सकते हैं। तो अभी आया है एक और पार्सल, तो इसके अंदर देखते हैं क्या है। सिनू इसको खोल रहा है और खोल नहीं रहा है, एक्चुअली ये इसको फाड़ रहा है पूरी तरह से। पूरा उसने बिखेर के पूरा कर दिया। अगर रिटर्न भी करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो इसके अंदर है मेरे लिए सैंडल, और मैं इसी सेम पैटर्न के पिछले 4-5 साल से यही पैटर्न के सैंडल पहन रही हूँ। जब भी वो सैंडल टूट जाते हैं फिर मैं नए सेम यही सेम डिज़ाइन के सेम ऑर्डर कर लेती हूँ। पार्सल आया है, वो मैं किसी को खोल ही नहीं दूंगा। तो वो अभी खोल के दिखाता है। बाय बाय फ्रेंड्स, अभी खोलता है। सिनू को सारे पार्सल खोल के चेक करने में बहुत अच्छा लगता है। वो सोचता है कि सारे पार्सल मेरे लिए ही होंगे, तो सब मैं ही खोल के चेक करूंगा। तो अभी वो खोलने की कोशिश कर रहा है पर खुल नहीं रहा है उससे। तो मैं बोल रही हूँ कि अच्छे से मुझे दे दो, मैं काट के दे देती हूँ, पर वो मान नहीं रहा है। और अब वो कोशिश कर रहा है, थोड़ी देर ट्राई करने के बाद अब वो फाइनली इसको भी फाड़ ही देगा। अभी फ्रेंड खुल रही था, मैं फाड़ दूंगा इसको।
बताओ क्या है? है सूट मेरे पापा के ऑफिस के, कितना चमकीला है, ये खुल गया। तो ये सारा सामान हमने काफ़ी दिन से ऑर्डर कर रखे थे, तो कुछ सामान कल आए थे, कुछ परसों आए थे, तो ऐसे मैंने सारे इकट्ठे करके रखे हुए थे ताकि सबको एक साथ ही उनका एक वीडियो बनाकर अलग से सोचा कि ब्लॉग डाल दूंगी, इसीलिए मैंने आज सारे एक ही साथ में डाल दिए हैं। तो इसके अंदर है बाटी, दाल बाटी बनाते हैं वो ओवन, तांडी साहब को दाल बाटी बहुत पसंद है तो उनके लिए स्पेशली ये ऑर्डर किया है, और उसका स्टैंड भी हमने मंगवाया है क्योंकि मेरे पास जो बर्नर है वो कांच का है तो उस पर नहीं रख सकते, तो वो भी मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। और इसके अंदर बाटी का ओवन नहीं आया, इसके अंदर ये आ गया है लैम्प लाइट, बाटी का ओवन शायद दूसरे वाले में है। तो ये एक लैम्प लाइट और तांडी साहब ने ऑर्डर करके मंगवाई है क्योंकि उनको बेडरूम में, एक हम बेडरूम में सेट कर देंगे और एक लिविंग रूम में सेट कर देंगे, और फ्लिपकार्ट पे सही रेंज में मिल भी गई थी तो इसीलिए हमने ये ऑर्डर कर दी थी इसको, और इससे लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी सीनू इसको भी फाड़ रहा है, फटाफट से फाड़ने की में लगा रहता है ये, तो कुछ ऐसा लुक आएगा इसका, मैं आपको दिखा देती हूँ। और अब सीनू खोल रहा है फाइनली बाटी का ओवन, तो आपको हम दिखाते हैं राजस्थानी दाल बाटी चूरमा कैसे बनाते हैं, वो भी मैं आपको कभी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूंगी क्योंकि आज ये मतलब इसको हम लेके आ गए हैं, तो अब कल देखती हूँ मैं दाल बाटी बनाऊंगी तो फिर मैं उसके साथ वो व्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी फ़िलहाल इसको पहले खोलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये दाल बाटी का ओवन। तो ये है दाल बाटी बनाने का कुकर, दाल बाटी ओवन। बहुत जल्द आपको दाल बाटी चूरमा बनाने की मैं रेसिपी आपके साथ लेके आऊँगी। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।